प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी 5000 से ज्यादा विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रधानमंत्री को सुना और उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मूल मंत्रों के छात्रों को उनके जीवन में चुने गए लक्ष्य को पाने में सुगमता होगी और यही बोर्ड परीक्षा के छात्र जीवन में ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। नहीं, आज तो बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशिता तिवारी ने कहा कि विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा विद्यालयों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा निदेशक वंशिता तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को समय छात्रों को तनाव की स्थिति में गुजरना पड़ता है, ऐसे में उस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है उस पर भी प्रधानमंत्री ने आपका मार्गदर्शन दिया, जो छात्रों के आने वाली बोर्ड परीक्षा के दौरान काम आएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 5500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएँ हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2 साल की कोविड के बाद जो शिक्षा का ह्रास हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने तय किया हुआ है कि अतिरिक्त कक्षाएं हम लगाएं और अवकाश के दिन भी अगर शिक्षक कोई बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमने अलग से मानदेय की व्यवस्था करी है। इसके अलावा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो किस मॉडल के आते हैं वो भी हम बच्चों को बता रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में जाने के पहले वो भली भांति अपना जो प्रश्नों को लिखने का एक तरीका है, उसका अभ्यास है, वो कर लें। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुनने के बाद छात्रों में उत्साह देखने को मिला, जिसमें छात्रों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे और उनका प्रयास रहेगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, क्या कुछ आपके समझ में और किस तरह की आप प्रिपरेशन आने वाले इम्तिहान के लिए कर रहे हैं? इम्तिहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आने वाली 10 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम हैं और इसी विषय में और जो आज हमने भाषण सुने उनके भाषण से हमें नहीं लगता कि हमारा एग्ज़ाम इतना हार्ड हो सकता है। ठीक। बर्नीचन इंटर कॉलेज से मैं यहाँ पे आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है, मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सेक्रीफाइस नहीं करना, अच्छा करना है पढ़ाई के लिए आगे, मतलब फ्यूचर में हर चीज़ अच्छी रहेगी। और मतलब मेरे को ये नहीं लगता है कि बोर्ड वगैरह ज़्यादा हार्ड है, अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मेरी ये सोच है। थैंक यू।